मिशन रखा होता है, मिशन एक आर्मी का बोलते हैं, आर्मी का मिशन होता है। मैंने भी एक कोच, मैंने और कोच ने दोनों डिस्कशन की थी ऐसी, हमने एक मिशन रखा, वही मिशन के चलना हमको, बस वही पर करना जो भी करना अभी, और अच्छा करना, परफॉर्म करना पहले से। मैं हिमाचल से आया हूँ, ऐसे गांव जगह से आया जहाँ मतलब स्पोर्ट्स का कोई भी नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता स्पोर्ट्स को, बहुत कोई 100 में से 5% लोग लाइक करते स्पोर्ट्स को। तो ऐसी जगह से आया, मैं स्कूल में स्टार्ट किया है 2009 से स्कूल में, तो पीटीआई सर ने मेरे को प्रेरित किया भी तुम स्पोर्ट्स करो। तो 2008 में मेरे हाथ में इंजरी हुई थी, उसके बाद तो ऐसे पीटीआई सर ने मेरे को मोटिवेशन किया तुम स्पोर्ट्स करो, ये करो। तो मैं स्कूल में ऑलराउंडर था, मतलब रनिंग भी करता था, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप। तो लास्ट में मेरे को लगा कि मेरे को हाई जंप करना चाहिए, क्योंकि भागने वाला काम तो नहीं इतना ही होता जी, बहुत भागना पड़ता है। तो हाई जंप तो फिर वहां से स्टार्ट किया था। खिलाड़ी कोई नीचे से आता है तो उसका अच्छा परफॉर्मेंस निकलता है, अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको टॉप सपोर्ट करती है, तो खिलाड़ी का भी बहुत मोटिवेशन होता है उसमें भी। मेरे को गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है और टॉप भी सपोर्ट कर रही है, तो मेरे को और अच्छा करना है इसमें। तो खिलाड़ी का भी इसमें कोई और ऑप्शन नहीं होता भी, नहीं कर सकता मैं, तो काफी सपोर्ट रहता। कोई कुछ चाहिए हो, कुछ भी मतलब ट्रेनिंग कर ले, कुछ बड़ा इक्विपमेंट चाहिए, छोटा इक्विपमेंट चाहिए, तो टॉप्स उसमें सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट रहती है टॉप्स की। तो खिलाड़ी के लाइफ में वर्ल्ड लेवल के जो बोलते हैं मेडल, वो स्टार्ट हो गया अभी इंडिया के आने कुछ समय में, हमारा दबदबा हो जाएगा इंडिया का। अभी इंडिया भी हैवी एथलेटिक्स में, पहले और गेम्स होती है जैसे कुश्ती है, कुश्ती में दबदबा इंडिया का, और क्रिकेट वगैरह लेकर, तो अभी एथलेटिक्स का दबदबा हो जाएगा इंडिया का भी। हाँ, इंडिया भी है पैरा का या फिर स्पोर्ट्स का।